हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मसाला बर्गर, लेकिन बिना बर्गर बन के। आप सोच रहे हैं ना ये कैसे होगा, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं बॉइल पोटैटो, इसे हम अच्छे से स्मैश कर लेंगे। आलू अच्छे से स्मैश हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ अदरक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्च डाली है तो आप अपने हिसाब से लाल मिर्च डालें। थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेडी है हमारा आलू मसाला। अब मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, इसमें मैंने लिया है एक कटोरी बेसन। अब उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सूजी, स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच शक्कर अगर आपको पसंद है तो, थोड़ी सी अदरक की पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच लेमन जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल बना लेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे मिक्स करना है। देखिए इस कंसिस्टेंट का हमें घोल चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेड स्लाइस, इसे मैंने इस तरह कटोरी से कट कर लिया है। अब इस स्लाइस पर हम लगाएंगे हरी चटनी, धनिया पुदीने की ये हरी चटनी है, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे टोमेटो केचप और इस स्लाइस को हम जिस कटोरी से हमने काटा था उसी कटोरी में रख देंगे। और जो हमने आलू मसाला रेडी किया है उसकी एक इस तरह टिक्की बना लेंगे और उस टिक्की को हम उस कटोरी पर रख देंगे कुछ इस तरह। अब बर्गर है तो अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो स्लाइस, ऑनियन स्लाइस, अगर आपके बच्चों को चीज़ पसंद है तो आप इसमें चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसमें डालेंगे इनो और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए घोल हमारा अच्छे से फ्लफ़ी हो चुका है। अब इस घोल को हम उस कटोरी पर इस तरह डाल देंगे। अच्छे से टैप करके हम इस घोल को डालेंगे इसके ऊपर। कटोरी एकदम फुल नहीं करनी। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया है गर्म करने के लिए और उसमें एक स्टैंड रखा है। उस स्टैंड पे हम इस तरह कटोरियों को शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो। अब इसे कवर करके 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में हमारे बर्गर अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इसे ठंडे करने देते हैं। ठंडा होने के बाद चाकू से हम इस तरह कटोरी से इसे अलग कर लेंगे। देखिए हमारा बर्गर अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसे आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट भी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना प्यारी चीज़।
तो रेडी है हमारा आलू मसाला बर्गर, वो भी बिना बर्गर बन के। हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।